हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आने वाले 6 मंथ के अंदर मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में आने वाली सभी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। कई दिन से काफी सारे लोग की डिमांड भी आ रही थी कि भैया अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताइए, तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करते हैं कि अब से लेकर दिसंबर 2022 तक आपको कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने टोटल 30 सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज लिस्ट किए हैं जो कि आपको आने वाले 6 मंथ के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, साथ ही उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही वो वैकेंसी किस मंथ के अंदर आ सकती है उसकी फॉर्म की डेट वगैरह के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली स्टार्ट करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट से जो कि निकल के आने वाली है SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर लगभग 5000 से 8000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है जिसके लिए काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भैया SBI क्लर्क की वैकेंसी कब आएगी, इसलिए मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी फिलहाल बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकल के आ सकते हैं वो अगस्त 2022 तक आ जाएंगे। तो फिलहाल वेट करिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है, पिछले साल 5000 के आसपास इसमें वैकेंसी निकली थी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर सेकंड के बारे में जो कि निकल के आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर लगभग 34000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है, बस ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज होना बाकी है। सभी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी हो लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज रहने वाली। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आएंगे वो सितंबर 2022 तक आ जाएंगे, फिलहाल आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर थर्ड के बारे में जो कि निकल के आएगी DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। DSSSB मतलब दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। आप सभी को पता है 2022 के स्टार्टिंग में DSSSB ने सभी निकलने वाली वैकेंसीज के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया था लेकिन वैकेंसीज टाइम के ऊपर नहीं निकल रही है, लेकिन अब काफी ज्यादा चांसेस है कि वैकेंसीज निकलने वाली है। तो बहुत सारी 10th पास वालों के लिए भी वैकेंसी निकलेगी जहां पर आपकी पर्सनल असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, LDC की, ग्रेड 4 दास की वैकेंसीज रहेंगी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहेंगी। यहीं पर 12 पास कैंडिडेट के लिए भी काफी सारी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज रहती है जैसे कि UDC अपर डिवीजन क्लर्क की, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी रहती है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी रहती है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी काफी सारी वैकेंसीज है, साथ ही जेल वार्डर की वैकेंसी भी निकलेगी दिल्ली पुलिस के अंदर और साथ ही फायर ऑपरेटर की वैकेंसी भी निकलेगी। DSSSB के थ्रू जो वैकेंसीज निकलना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से सितंबर 2022 तक हो जाएंगे या फिर उससे पहले हो जाएगी। तो फिलहाल वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो वैकेंसी 2022 के अंदर DSSSB जरूर निकालेगा, वेट करिए। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर फोर्थ के बारे में जो कि निकल के आने वाली है नेक्स्ट ही मंथ, SSC CPO SI रिक्रूटमेंट 2021 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। फ्रेंड्स, अगर आप CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज मतलब CRPF, VSF, CISF, ITBP, SSB ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ SI सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो 10th अगस्त से निकलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू SSC न्यू एग्जाम कैलेंडर। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो अभी से तैयारी कर दीजिए शुरू। जब इसके वैकेंसी के लिए फॉर्म आएंगे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर फिफ्थ के बारे में जो कि निकल के आएगी NBE यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकलती है। लगभग 50 से 70 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहती हैं। 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हर साल ये वैकेंसी अगस्त या फिर सेप्टेंबर के अंदर निकलती है, तो इस बार भी तभी निकलेगी, वेट करिए। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर सिक्स के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। फॉर्म इसके फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2022 है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप IBPS क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6035 निकली हुई है,
इसको मैं बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानता हूं, तो अगर आप एलिजिबल है मिस मत करिएगा। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 7 के बारे में, क्योंकि अभी हमने आईबीपीएस बैंक की वैकेंसी के बारे में बात की है, तो ऑब्वियसली ये भी अपॉर्चुनिटी बैंक की तरफ से आएगी। नाबार्ड के बारे में आप जानते होंगे, एक नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है, जो कि रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है। एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर इसके अंदर वैकेंसी निकलती है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो सितंबर 2022 के अंदर निकलेंगे, क्योंकि हर साल अगस्त सितंबर के आसपास ही निकलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 150 से 160 के आसपास रहती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 21 to 30 ईयर होती है जनरल वालों के लिए। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। लगातार मुझे 30 से 40 कमेंट आते हैं कि भैया इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाइए। अब लग रहा है कि इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनानी ही पड़ेगा। हालांकि इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने 20 अगस्त को ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कल या परसों एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, कल आपके लिए वीडियो आ रही है, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और खुद मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्रैक किया, इसके थ्रू जॉब ली है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट मंथ इसकी वैकेंसी आ रही है। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 9th के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। सभी लोगों को पता है एसएससी सीजीएल की दोबारा से वैकेंसी आ रही है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 10th सितंबर 2022 से होंगे, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तैयारी शुरू रखिए अपनी। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 10th के बारे में, जो कि दोबारा से निकल के आएगी एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के थ्रू ये वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें आपकी एलडीसी की पोस्ट होगी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होगी। सभी 12th पास कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 5th नवंबर 2022 से होंगे, तो एक ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, जो कि आने वाले 6 मंथ के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 11th के बारे में, जो कि निकल के आएगी SBI प्योर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क के अलावा PO प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भी हर साल एक वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 रहती है यहां पर। इस वैकेंसी के लिए जो हर साल फॉर्म निकलते हैं वो अक्टूबर के आसपास निकलते हैं, तो इस बार भी अक्टूबर 2022 के अंदर इसके फॉर्म निकलेंगे। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी नंबर 12 के बारे में बताने से पहले आपको बुक के बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ्स की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की बुक अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब आप इस बुक को कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं, इन दोनों बुक के साथ आपको एक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और इन तीनों बुक का ये कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप फ्लिपकार्ट से ही परचेज कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12 के बारे में, जो कि निकल के आएगी NHB असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। पर्सनली ये वैकेंसी मुझे बहुत पसंद है। NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं रहती, 20-25 के आसपास ही रहती है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हर साल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म साल के आखिर में मतलब दिसंबर के अंदर निकलते हैं, इस बार भी दिसंबर के अंदर ही निकलेंगे। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही रहेगी। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 13 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB डोमेस्टिक ब्रांच रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इसके लिए वैकेंसी जो निकलेगी, ऑनलाइन फॉर्म जो निकलेंगे, सितंबर 2022 के आसपास निकलेंगे। यहाँ पर 12th पास वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, 10th पास वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, और जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह कर रखा है 3 ईयर का, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 14th के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BARC वर्क असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके अंदर वर्क असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31st जुलाई 2022 है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप BARC वर्क असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया, अप्लाई कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 15th के बारे में, जो कि निकल के आएगी मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है एसएससी कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे
वो 10 दिसंबर 2022 से होने वाली है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल 18 से 23 साल यहां पर एज लिमिट होती है। अगर आप CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कांस्टेबल GD तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी साबित होगी। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 16 के बारे में जो कि निकल के आएगी IBPS PO रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स IBPS के थ्रू PO प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर हर साल एक वैकेंसी निकलती है। इस वैकेंसी के लिए जो इस बार ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो अगस्त के फर्स्ट वीक से ही हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 17 के बारे में जो कि निकल के आएगी UPSC की तरफ से, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एक वैकेंसी निकलती है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म नवंबर 2022 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर पोस्ट, मतलब लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल 400 के आसपास इसके अंदर वैकेंसी रहती है, तो इस बार ये वैकेंसी नवंबर के अंदर आएगी, रेडी रखिएगा। बात यूपीएससी की हो रही है तो वैकेंसी नंबर 18 हमारी यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी के थ्रू NDN नेशनल डिफेंस अकेडमी की एक वैकेंसी निकलने वाली है जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अगेन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन हायर पोस्ट लाइक लेफ्टिनेंट, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बस इस अपॉर्चुनिटी खास बात यह कि आप जस्ट आफ्टर 12 ज्वाइन कर सकते हो, तो इस वैकेंसी के लिए भी नवंबर में ही फॉर्म आएंगे। ये वैकेंसी स्पेशल जस्ट आफ्टर 12 पास कैंडिडेट के लिए होती है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 19 के बारे में जो कि निकल के आएगी SSC MTS रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। SSC के थ्रू MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर दोबारा से वैकेंसी निकलेगी। हालांकि फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं 2021 वाली वैकेंसी की, लेकिन यहां पर बात हो रही है 2022 वाली वैकेंसी के लिए, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 25 जनवरी 2023 को आने वाले हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तैयार रहिए, सभी 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं 28th रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि निकल के आएगी SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 मार्च 2023 को स्टार्ट होने वाले। सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल जनरल वालों की कांस्टेबल की एज लिमिट होती है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 21 के बारे में जो कि निकल के आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क की पोस्ट के लिए, साथ ही सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट के लिए, साथ ही अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। यहां पर ASI क्लर्क की टोटल वैकेंसी 145 रहने वाली है, SI कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी 66 रहने वाली है, अकाउंटेंट की वैकेंसी 34 रहने वाली है। यहां पर भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, साथ ही आपको कंप्यूटर का एक डिप्लोमा भी चाहिए होता है, चाहे आपके पास कोई ITI COPA का हो या फिर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा हो, DC हो आपके पास, PGDC आपने किया हो, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आएंगे सेप्टेंबर मंथ के अंदर आ जाएंगे, तो आप रेडी रहिएगा। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 22 के बारे में जो कि निकल के आएगी FCAT यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। FCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर हमारी फ्लाइंग ब्रांच फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, साथ ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट होती है, साथ ही लॉजिस्टिक की पोस्ट होती है, एजुकेशन अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। यहां पर भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ये वैकेंसी एक साल में दो बार निकलती है, तो तैयार रहिएगा। अगर आपने इस बार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी तो नेक्स्ट टाइम आपको मिल रही है 19 से 24-25 साल के आसपास या फिर 20 से 26 साल के आसपास, इसमें एज लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू पोस्ट और ब्रांच। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 23 के बारे में जो कि आपको देखने को मिलेगी SSC जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। यानी फ्रेंड्स SSC के थ्रू जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 12th अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग पास की हुई है या फिर आपने कोई भी 3 ईयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है सिविल ट्रेड से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो नेक्स्ट मंथ ये वैकेंसी आ रही है, तैयार रहिएगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 24 के बारे में जो कि निकल के आएगी NIACL AO मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, एन
NIACL का मतलब होता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी जरूर आती है। लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी, इस बार पूरी पूरी उम्मीद है कि असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ जाए। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत ही हायर लेवल का डिपार्टमेंट माना जाता है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आने के पूरे पूरे चांसेस है कि अक्टूबर 2022 के अंदर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आ जाए, तो तैयारी रखिएगा अपनी पूरी पूरी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 25 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होंगे। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तैयारी अभी से शुरू रखिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है एसएससी ने अपना रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर पब्लिश किया है, जिसके थ्रू बहुत सारी एसएससी के थ्रू वैकेंसीज आने वाली है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना एक प्रॉपर ऐसी वीडियो लेकर आई जाए जिसके थ्रू आप आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स को क्रैक कर लो। तो फ्रेंड्स एक दो दिन के अंदर ही एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके बाद आप अपनी जबरदस्त लेवल की तैयारी कर लोगे और आने वाले हर एक एसएससी के एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे। तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वेट जरूर करिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 26 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के ऊपर। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 20th जुलाई 2022 से ही हो रहे हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री पास की हुई है एज अ हिंदी सब्जेक्ट से तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 27 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है ITBP SI ओवरसीज रिक्रूटमेंट 2022 की बात मैं कर रहा हूं। यानी कि फ्रेंड्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37 निकली हुई है, जहां पर अगर आपने 10th पास किया हुआ है विद 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल ट्रेड तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली हुई है। फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14th अगस्त 2022 रहेगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 28 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स एसएससी के थ्रू IMD जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 सितंबर 2022 से। इसके लिए एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 29 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। फ्रेंड्स वैकेंसी के लिए 2 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए, आई होप अगर आप एलिजिबल होंगे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। फ्रेंड्स अगर आपने 12th पास किया है विद मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट से तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 18 से 27 साल एज लिमिट इसके अंदर रखी गई है और अक्टूबर मंथ के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइन और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई ही है। ठीक है, फाइनली बात करते हैं लास्ट वैकेंसी नंबर 30 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 29 जुलाई 2022 है। 1400 के आसपास इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आपने 12th पास किया है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कल इसके रिगार्डिंग आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में इसके अंदर कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स ये 30 वैकेंसीज मैंने आपको बताई, जो कि आने वाले 6 मंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगी और सभी वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले 6 महीने के अंदर केवल यही 30 वैकेंसीज आएंगी, इनके अलावा भी और भी काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आएंगे। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि अननोन डिपार्टमेंट, जो कि रैंडम वैकेंसीज निकाल देते हैं, अचानक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, वो वैकेंसीज आएंगे। ये
30 तो मैंने आपको वो वैकेंसी बताई जो कि हर साल जरूर रिपीट होती है, जिनके बारे में ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर्स के अंदर अनाउंसमेंट हो रखी है, जिनके नोटिफिकेशन डेट वगैरह निकल रखी है। क्लियर है? तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप इनके अलावा आपको और भी काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो बस आपको अपनी तैयारी जारी रखना है और फुल मोटिवेशन के साथ, फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है और धुआंधार प्रिपरेशन जारी रखनी है। और मैं तो आपके लिए हूं ही, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकलता है फुल डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाता हूं, और जैसे ही कोई एग्जाम आता है बहुत सारी इंपोर्टेंट मैराथन एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहता हूं। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को हमेशा फॉलो करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।